इटलावाद स्थित माही घाट में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के तहत आज जल दिवस के उपलक्ष में माही घाट सिद्धेश्वर में सफाई अभियान चलाया गया। आज जल दिवस पर आप ये साफ सफाई का जो कर रहे हैं कार्यक्रम, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा सर हमें जन अभियान परिषद द्वारा निर्देश दिए गए कि आप आज जल दिवस है और जल दिवस के उपलक्ष में जो जहाँ पर भी घाट है उनकी सफाई कर रहे हैं हम। यहाँ पर क्या है कि सर बहुत सारे लोगों में कुरुति है, तो यहाँ पे जैसे नारियल के छिलके छोड़ के चले जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये मई माता का सम्मान करते हैं पर उसकी कद्र नहीं करते। तो ये क्या ऐसे कपड़े छोड़ के चले जाते हैं, कहीं नारियल के छिलके छोड़ के चले जाते हैं, उनका पूरा ध्यान नहीं देते, बस आस्था उनकी अगरबत्ती और दियाबत्ती पर ही सीमित है। तो हम सर अभी उसकी सफाई कर रहे हैं और आप देख लीजिए कि कितनी सफाई करी हमने। हमारे साथ वैसे कुछ युवा भी शामिल हुए हैं जिसमें जय आदिवासी युवा शक्ति के कुछ कार्यकर्ता है, प्रतिफोटन समिति जखनाव से है और वो हमारा सहयोग कर रहे हैं और आज जल दिवस के उपलक्ष में हमने ये काम किया है। आप इस प्रोग्राम के तहत मतलब अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ठीक है आपकी आस्था है कहीं कोई सी भी नदी में, जैसे मान लो जखनाव में मधुकन्या नदी हो या अपनी अपने झाबुआ की सबसे बड़ी नदी माही नदी है, तो उसका आप सम्मान तो करें पर ये नारियल के छिलके हैं, कपड़े हैं, ये घाट पे छोड़ के ना जाए, इसका विशेष ध्यान रखें और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, तभी हम किसी नदी या माही माता को सम्मान दे सकते हैं। पेटलावत से रोशन सिंगार की रिपोर्ट। शुजालपुर नगर में धूमधाम से मनाई गई निषाद जयंती जिसमें हजारों की संख्या में समाज जन उपस्थित थे। शुजालपुर नगर में नवयुवक आदिवासी मांझी समाज शाजापुर द्वारा नगर में धूमधाम महर्षि निषाद जयंती मनाई गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेश केवट, जिला अध्यक्ष भगवान सिंह केवट, उपाध्यक्ष शिवनारायण केवट, सचिव संतोष केवट, महामंत्री रतिराम केवट आदि समाज के हजारों युवा एवं वरिष्ठ जन के साथ नागरिक उपस्थित थे, जिसमें समाज को बुराइयों को त्याग कर शिक्षित कर संगठित कर एक मंच पर लाने के लिए एवं समाज में फैली कुरीतियों को त्याग कर एक साथ रहने के लिए शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में संतोष केवट द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर के मार्ग पर चलने एवं उनके द्वारा दिए गए आरक्षण के बारे में भी बताया जाएगा एवं उनको समाज के लिए पूजनीय कहा गया। कार्यक्रम में आसपास के ग्रामीण बच्चे एवं महिलाएं उपस्थित रहे। शुजालपुर से अविनाश सिंह चौरडिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में संविदा संयुक्त संघर्ष मंच की अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को लगातार 31वें दिन भी जारी रही। हड़ताल के 31वें दिन मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारियों ने आंदोलन को तेज करते हुए संविदा नीति की अर्थी निकाली और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के विरोध में नारेबाजी कर विरोध भी जताया। संविदा कर्मियों के विरोध के दौरान समस्त संविदा कर्मचारी दतिया शहर के मुख्य मार्गों से अर्थी निकालकर प्रदर्शन किया। संयुक्त संविदा मंच में सभी विभागों के कर्मचारियों ने सीता सागर से संविदा नीति की अर्थी निकालकर शहर भ्रमण कराते हुए किला चौक होते हुए सीता सागर तालाब पर संविदा नीति का दाह संस्कार भी किया। संयुक्त संविदा मंच द्वारा तय किया गया कि जब तक प्रदेश सरकार द्वारा सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाता तब तक जिले के 34 विभागों के संविदा कर्मचारी एवं अधिकारी हड़ताल पर ही रहेंगे। सभी विभागों में प्रमुख रूप से पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य विभाग, PHE, NRLM, ई गवर्नेंस, लोक सेवा, खेल विभाग, सर्व शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास, जन अभियान परिषद, NREGS, समग्र स्वच्छता अभियान, कृषि विभाग एवं अन्य समस्त विभागों, कर्मचारी एवं अधिकारियों के हड़ताल पर होने से शासन की योजनाएं प्रभावित हो रही है। उसका कारण ये है कि आज हमको पूरा एक माह हो चुका है और शासन हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। हम शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हैं, संविदा नीति का विरोध करते हैं। हम सभी संविदा भाई आज संविदा की अर्थी निकालकर संविदा का विरोध कर रहे हैं और शासन को ये बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की मांगे, हम लोग सभी क्वालिफाइड लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, शासन की सेवा करना आता है हमें और हम लोग नियमित होकर ही काम करेंगे। 15 साल हो गए हम लोगों, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 18 साल हो चुके हैं काम करते करते और आज की डेट में कभी अप्रेजल के नाम पे बाहर कर दिया जाता है जबकि उसके परिवार पे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। इस स्थिति में किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी लेना शासन का कर्तव्य। दतिया से नवल किशोर यादव की रिपोर्ट।
जनपद पंचायत के सीईओ अरविंद डामोर के खिलाफ जनपद पदाधिकारियों में रोष व्याप्त हो गया है, जिसको लेकर जनपद पदाधिकारियों ने बैठक लेकर जनपद सीईओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। मामला यह है कि जनपद पंचायत बालाघाट में सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आहूति की गई थी। बैठक में एजेंडे के विषयों पर चर्चा हो गई थी। उसी दौरान जनपद सीईओ बैठक से उठकर चले गए, जिससे जनपद के पदाधिकारी काफी खफा हो गए। उसके कुछ ही देर बाद में जनपद के पदाधिकारी जिला पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने सीईओ श्रीमती मंजुषा राय से मिलकर इसकी शिकायत दर्ज की। इसके बाद जनपद में बैठक लेकर जनपद सीईओ श्री डामोर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। विदित हो कि जनपद पंचायत बालाघाट के अध्यक्ष पूरन लाल ठाकरे के कक्ष में उनकी प्रमुख उपस्थिति में जनपद के सामान्य प्रशासन समिति की बैठक की आहूति की गई थी, जिसमें जनपद उपाध्यक्ष जुगल किशोर बंबूरे, जनपद सीईओ अरविंद डामोर, जनपद सभापति बालकृष्ण फूंडे, श्रीमती अनुसुईया नागपुरे सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।